Good morning class. In today's video I am going to start a new topic, that is mergers and acquisitions. This is your fifth unit in which you have to study the different topics related to merger and acquisition. First of all, you need to understand what is merger as well as what is acquisition. Merger simply means the combination of two firms and defined with a new name with the existence of the two same firms. Just like A and B are two different firms want to merge these organizations, though after merging the organization the name exists, that is AB company. तो merger में क्या होता है कि दो companies आपस में merge होती हैं और merge होने के बाद उनकी existence के साथ ही एक नई company का नाम दिया जाता है। एक्विजिशन की जब हम बात करते हैं तो एक्विजिशन का मतलब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी की ओनरशिप को टेक ओवर कर लिया। तो ए और बी अगर दो कंपनीज आपस में अवेलेबल हैं और ए ने बी को एक्वायर किया तो एग्जिस्टेंस बी की ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ आपकी ए कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तीसरी एक कंसिडरेशन आता है एमलगमेशन। एमलगमेशन इज समहाउ रिलेटेड टू मर्जर बट देयर इज़ अ डिफ्रेंसिएशन। सपोज दैट टू कंपनी, दैट इज ए एंड बी, बोथ आर कंबाइनिंग टुगेदर। तो मर्जर में क्या होगा, ए एंड बी दोनों एक साथ मिलकर के एक नई कंपनी बनेगी जिसे नाम दोनों की एग्जिस्टेंस के साथ दिया जाएगा, दैट इज ए बी कंपनी। लेकिन जब हम एमलगमेशन की बात करेंगे तो एमलगमेशन में दोनों कंपनीज के मर्ज होने के बाद दोनों ही एबॉलिश हो जाती हैं और एक नई कंपनी नाम आ जाती है। जैसे ए बी कंपनी मिली और उसको एक नई कंपनी का नाम दे दिया गया, दैट इज सी कंपनी। तो ए बी सी तीन पॉसिबिलिटीज आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी कि मर्जर का मतलब दो कंपनीज आपस में मिल करके दोनों की एग्जिस्टेंस के साथ काम हो रहा है। एक्विजिशन का मतलब एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, और एमलगमेशन का मतलब है कि दोनों कंपनीज आपस में मिल गई और दोनों कंपनीज के नाम को ख़त्म करके एक नया नाम दे दिया गया कंपनी को, दैट इज़ कॉल्ड एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी हो सकती है। चलिए टॉपिक देखते हैं। A merger is an agreement that unites two existing company into one new company. तो merger क्या है, एक agreement है जहाँ पर दो company आपस में जो existing companies हैं वो unite हो जाती हैं और दोनों मिल करके एक नई company के नाम से exist करती हैं। तो नया company के नाम किस form में होगा, दोनों company जो आपकी merge हुई हैं दोनों की existence के साथ। जैसे एक्स वाई कंपनी है, दो company आपस में मिल रही है तो नया नाम इसका एक्स वाई कंपनी हो जाएगा। पीछे आपने एग्जांपल्स कई सुने होंगे, जैसे महिंद्रा सत्यम, तो ये महिंद्रा सत्यम दोनों एक साथ आई तो ये क्या है, ये मर्जर है। बैंक्स में आज की डेट पे आप देख रहे हो कि एक बैंक साथ दूसरा बैंक मिल जा रहा है, जैसे अभी इलाहाबाद बैंक टोटली कन्वर्ट हो गया इंडियन बैंक में, तो इलाहाबाद बैंक की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई तो ये क्या हुआ, एक्विजिशन। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होती है कि एक्स वाई दोनों कंपनी मिल जाती हैं, दोनों का नाम ख़त्म होकर नई कंपनी आ जाती है तो वो आपका एमलगमेशन। तो अ मर्जर इज एन एग्रीमेंट दैट यूनाइट्स टू एग्जिस्टिंग कंपनी इनटू वन न्यू कंपनी। तो मर्जर क्या है, एक एग्रीमेंट है जहाँ पर दो कंपनी आपस में मिल करके एक नई कंपनी को फॉर्म करेंगी और वो नई कंपनी दोनों कंपनी के नेम की एग्जिस्टेंस को मेनटेन होने चाहिए। मर्जर्स आर मोस्ट कॉमनली डन टू गेन मार्केट शेयर। मर्जर का बेसिकली टारगेट क्या है, कॉमन इसका टारगेट ये है कि मार्केट के जो शेयर्स हैं यानी जो बेनिफिट्स हैं मार्केट के वो गेन किया जा सके। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जब दो कंपनी आपस में मिल जाएंगी तो वर्किंग सिंगल हो जाएगी, वहाँ पे आपके ऑपरेशन के कॉस्ट कम हो जाएंगे। एक्सपैंड टू न्यू टेरेटरीज, नई टेरेटरीज में हम अपनी कंपनीज को एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग कंपनीज मिल करके अब एक हो चुकी हैं, तो ऐसे में कंपनीज की मैन पावर कैपिटल सारी चीज़ें इन्हेंस हो चुकी हैं तो वहाँ पे हम अपने टेरेटरीज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। यूनाइट कॉमन प्रोडक्ट्स, जो भी कॉमन प्रोडक्ट दोनों कंपनीज के थे उनको हम यूनाइट करके एक बना सकते हैं। ग्रो रेवेन्यू, हम अपने रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस आप लोगों को पता है, रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स यानी जितनी हमने सेलिंग कर रखी है वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। तो हम अपनी सेलिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं और सेलिंग के इंक्रीज करने में अगर कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा है तो ऐसे फॉर्मेट पर आपके लिए प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑल ऑफ विच बेनिफिट दी फॉर्म शेयर होल्डर। तो अल्टीमेटली ये बेनिफिट किसको देगा, शेयर होल्डर्स को।
कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। एक कंपनी के अल्टीमेटली ओनर्स कौन हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर कंपनी, दो कंपनी, डिफरेंट कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं, तो मर्ज होने के कंसिडरेशन में कंपनी को एट लास्ट मार्केट शेयर में गेन होगा, कॉस्ट कम होगी, एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब ऐसे चीज़ें होंगे तो यहाँ पे हम अपने शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट दे पाएंगे। एक्विजिशन की अगर बात कर लें, तो एन एक्विजिशन इज व्हेन वन कंपनी परचेजेस मोस्ट और ऑल ऑफ अनदर कंपनी शेयर टू गेन कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी। एक्विजिशन क्या है? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी की ओनरशिप आइदर 100% और मैक्सिमम होल्ड कर ले। होल्ड करने का कंसिडरेशन क्या है कि जो उसकी कंट्रोलिंग है यानी जो ओनरशिप है वो एक कंपनी के पास आ जाए दूसरे कंपनी की, तो ऐसे फॉर्मेट को हम कहते हैं एक्विजिशन। परचेजिंग मोर देन 50% ऑफ अ टारगेट फर्म स्टॉक एंड अदर एसेट्स अलाउज द एक्वायरर टू मेक डिसीजंस अबाउट द न्यूली एक्वायर्ड एसेट्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंपनीज अदर शेयर। तो अगर हमारे पास किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स अवेलेबल हो गए, इसका मतलब हम कंपनी के ओनर हो गए, तो अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक और एसेट को होल्ड करने का कंसिडरेशन है। स्टॉक मतलब यहाँ पे है इक्विटी शेयर, अगर हमने उसको होल्ड कर रखा है तो वहाँ पे एज एन एक्वायरर कंपनी हमारे पास अब ये राइट है कि हम दूसरी सब्सिडरी कंपनी जिसको हमने होल्ड किया है एज अ होल्डिंग कंपनी, हम उसके रिलेटेड सारे डिसीजन ले सकते हैं बिना अदर कंपनी के शेयर होल्डर्स के अप्रूवल। क्योंकि अल्टीमेटली अब जो शेयर होल्डर दूसरी कंपनी के थे वो भी हमारे शेयर होल्डर्स हो चुके हैं, तो हमें अब उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बिहाफ पे सारे डिसीजन ऑपरेट कर सकते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन आर कॉमनली डन टू एक्सपैंड अ कंपनीज रीच, एक्सपैंड इट्स न्यू सेगमेंट्स और गेन मार्केट शेयर। ऑल ऑफ दीज आर डन टू इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू। मर्जर हो, एक्विजिशन हो, एमलगमेशन हो, ये सब का टारगेट अल्टीमेटली क्या है कि कंपनी की जो रीच है यानी टेरिटरी बाउंड्रीज हैं उनको एक्सपैंड किया जा सके, नए सेगमेंट्स में हम इन्वॉल्वमेंट अपनी कर सकें यानी नए नए प्रोडक्ट्स ला सकें, नए नए मार्केट में इन्वॉल्व हो सकें। जैसे अगर हम से प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो हम सर्विसेज में भी एंटर हो पाएँ, तो नए सेगमेंट से हमारी एंट्री हो जाए, मार्केट शेयर को हम गेन कर सकें। क्योंकि मार्केट में जब हम अपने बिहाफ पे डिफरेंट ऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे, कंपनीज मिल करके आपस में काम करेंगी, तो हमारी शेयर होल्डिंग भी मार्केट में बढ़ेगी। अल्टीमेटली इन सब से बेनिफिट किसको होगा? शेयर होल्डर की वैल्यू, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर यानी जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको अल्टीमेटली बेनिफिट रिसीव। तो मर्जर एक्विजिशन इसका टारगेट क्या होता है? नॉर्मली मर्जर एक्विजिशन नहीं किया जाते, मर्जर एक्विजिशन करने का टारगेट ये है कि अगर कोई कंपनी इंडिविजुअली काम नहीं कर पा रही और दोनों मिल करके या तीन कंपनी मिल के काम कर सकती हैं तो वहाँ मर्जर कर दिया जाए। अगर कोई एक कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रही, वो सब्सिडरी कंपनी के फॉर्म में आ रही है, तो यहाँ पे हम एक कंपनी के बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। तो वन होल्डिंग कंपनी अदर कंपनी को एक्वायर कर सकती है और उसके बिहाफ पे सारे डिसीजन ले सकती है। एमलगमेशन तब आता है जब दोनों कंपनीज अपने नाम को बदलना चाहें, तो ऐसे फॉर्मेट में दोनों मिल करके किसी नए कंपनी के नाम से अपना सेटअप क्रिएट करती हैं और वो आपका एमलगमेशन। तो एमलगमेशन नॉर्मली मार्केट में बहुत कम ही सुनाई देते हैं, मैक्सिमम आपके लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन की। इस समय बैंक्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ एक्विजिशन, नॉट द मर्जर, वो मर्जर नहीं है। न्यूज़ में आप लोग सुनते हो कि बैंक दूसरे बैंक में मर्ज हो गया, मर्जर नहीं है। मर्जर में क्या होता है? दोनों बैंक की एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ पे क्या है, एक बैंक होल्डिंग बैंक है, दूसरा बैंक सब्सिडरी बैंक है, तो जो होल्डिंग बैंक है सिर्फ उसका नाम एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्विजिशन नॉट द मर्जर। तो आई होप ये स्लाइड सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो मर्जर एक्विजिशन क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो बेसिकली आपका मर्जर एंड एक्विजिशन में एग्जिस्ट करता है, जिसका बेसिक टारगेट है नंबर ऑफ शेयर्स जो एक्वायरिंग कंपनी के हैं उनको मेजर किया जा सके कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो आपके अवेलेबल हैं उनको कितना शेयर हम इशू करें जो सब्सिडरी कंपनीज हैं। मतलब जो होल्डिंग कंपनी है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अल्टीमेटली उन शेयर्स को डिसाइड करें, नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर हम सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर को प्रोवाइड करेंगे।
1:1 के रेशियो में होगा, 1:2 के रेशियो में होगा, 1:4 के रेशियो में होगा, ये डिसाइड करने का काम होता है किसका, होल्डिंग कंपनी का। और होल्डिंग कंपनी इस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए एक्सचेंज रेशियो को फॉलो करती है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के साथ मर्ज हुआ, एक्स और वाई दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि अब दोनों कंपनी मिल के काम करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती हैं, जो भी आपकी दोनों कंपनीज हैं म्यूचुअली डिसाइड करेंगी कि शेयर होल्डर्स का रेशियो क्या हो। अगर 1:1 का है तो जो उनकी शेयर होल्डिंग एग्जिस्ट कर रही थी उसी के इक्विवेलेंट उनको शेयर होल्डिंग दी जाएगी। अगर कंपनी डिसाइड करती हैं कि यहाँ पे हम अब कंपनी के शेयर होल्डर्स की वैल्यू कम करेंगे और 1:2 करेंगे, तो यानी उनके पास अभी तक जो 2 शेयर थे अब वो 1 के बराबर, यानी उनकी 50% ओनरशिप को कम कर दिया जाए। यही चीज़ जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं तो एक्विजिशन में होल्डिंग कंपनी डिसाइड करती है सब्सिडियरी कंपनी के लिए। जैसे मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारे जो होल्डिंग कंपनीज के शेयर होल्डर हैं उनका शेयर होल्डिंग सेम रहेगी, लेकिन जो सब्सिडियरी कंपनीज हैं उनकी शेयर होल्डिंग 1:4 की होगी। यानी अभी तक अगर उनके पास 4 शेयर्स हैं तो अब उनके पास वो इक्विवेलेंट किसके होंगे, 1 शेयर। अगर आपने किसी कंपनी के 400 शेयर खरीद रखे हैं तो उस 400 शेयर के अगेंस्ट में अब आपके पास ओनरशिप कितने शेयर की रह जाएगी, 100 शेयर। तो ये डिसीजन आपका एग्जिस्ट करता है एक्सचेंज रेशियो के अंदर। चलिए आगे डिटेल में देखते हैं। इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस द एक्सचेंज रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ शेयर्स द एक्वायरिंग कंपनी हैज टू इशू फॉर ईच इंडिविजुअल शेयर ऑफ द टारगेट फर्म। यहाँ पे आपका जो एक्वायरिंग कंपनी है दैट इज द होल्डिंग कंपनी, और जो टारगेट फर्म है वो आपकी कौन सी है, सब्सिडियरी कंपनी। तो मर्जर एक्विजिशन में एक्सचेंज रेशियो का रोल क्या है, मेजर करना नंबर ऑफ शेयर्स को, कि एक्वायरिंग कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करेगी इंडिविजुअल बेसिस पे अपने टारगेट फर्म्स की। यानी जो एक्वायरिंग कंपनी है, अब एक्वायरिंग कंपनी ये डिसाइड करेगी कि जो हमारे पास सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर होल्डर को किस रेशियो के बिहाफ पे शेयर्स प्रोवाइड किए जाएं। अभी तक हमारे पास जितने भी शेयर्स थे वो 1:1 के रेशियो में थे, तो अब टारगेट फर्म के लिए ओनरशिप 1:1 रहेगी, 1:2, 1:4, ये डिसाइड करने का अल्टीमेटली काम किसका है, एक्वायरिंग कंपनी। आई होप एक्सचेंज रेशियो अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन M&A स्टैंड फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, कन्फ्यूज मत होइएगा। फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील्स दैट इंक्लूड शेयर एज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन दैट इज कॉम्पनसेशन फॉर द डील द शेयर एक्सचेंज रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में जब हम डील करते हैं कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को अब एक्वायर कर रही है या दोनों मिल के काम करेंगी, तो यहाँ पे शेयर जो है वो एक पार्ट है कॉम्पनसेशन का। कि शेयर्स के बिहाफ पे हमारे पास ओनरशिप अवेलेबल है, तो उस ओनरशिप के बिहाफ पे हम शेयर के लिए एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करते हैं कि किस डील के बेसिस पे ओनरशिप अब ट्रांसफ़र की जाए। कि जो भी हमारी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी डिसाइड करेगी सब्सिडियरी कंपनी के लिए कि अल्टीमेटली अब सब्सिडियरी कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ओनरशिप किस रेशियो में होनी चाहिए। डील्स कैन बी ऑफ ऑल कैश, ऑल शेयर्स और अ मिक्स ऑफ दी टू। तो जो डील होगी वो आपके सारे कैश की होगी, सारे आपके शेयर्स की होंगी, यानी जितने भी तरह के इक्विटी प्रेफरेंस जो भी शेयर्स हैं वो सब आपके इंक्लूड हो जाएंगे, या दोनों का मिक्स। नॉर्मली जो आपका एक्सचेंज रेशियो अप्लाई होता है वो शेयर्स और मिक्स ऑफ दी बोथ, ये आपका एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली कैश के लिए आपके एक्सचेंज रेशियो की इन्वॉल्वमेंट नहीं कराई जाती आज के सिनेरियो में। रीज़न, आज का बिजनेस कैश में कम ऑपरेट हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो कैश की एग्जिस्टेंस कम होने की वजह से एक्सचेंज रेशियो प्रॉपर्ली वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन ये कैश शेयर या मिक्स ऑफ दी टू, ये दो तीनों चीज़ों पे आपके एप्लीकेबल हो सकते हैं। द एक्सचेंज रेशियो इज द रिलेटिव नंबर ऑफ न्यू शेयर्स दैट विल बी गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड और दैट हैज़ मर्ज्ड विद अनदर। एक्सचेंज रेशियो क्या है, रिलेटिव वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी एक्वायर करती है मर्ज विद अनदर, और जो आपका दूसरी कंपनी के साथ मर्जिंग करने में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो एक्सचेंज रेशियो क्या है, वो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर डिसाइड हो रहे हैं जो एग्जिस्टिंग कंपनी को अपने
टारगेट फर्म को देना है, यानी अपने सब्सिडियरी कंपनीज को देना है। तो होल्डिंग कंपनीज का काम क्या है यहाँ पे, कि ये डिसाइड करना कि मर्जिंग के टाइम पे हम अपनी सब्सिडियरी कंपनी को कितने परसेंट की ओनरशिप अब प्रोवाइड करेंगे, इक्वल टू 100%, लेस देन 100%, वॉट एवर द परसेंटेज इज बीइंग डिसाइडेड, दैट कैन बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ मर्जर। After the old company shares have been delivered, the exchange ratio is used to give shareholders the same relative value in new shares of the merged entity. तो old company के shares जब आपके deliver कर दिए जाएंगे, यानी जो आपकी holding company है, holding company जब target firm के shareholders का exchange ratio के बिहाब पे shareholding decide कर देगी कि कितने percent की shareholding उनको दी जाए, तब उसके बाद मर्ज जो एंटिटी है उसकी न्यू शेयर होल्डिंग इक्विवेलेंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 50% की ओनरशिप डिसाइड की गई, तो हमारे पास अगर 200 शेयर्स थे तो अब हमारे पास ओनरशिप कितने की रह जाएगी, 100 की। तो अब जब हमारे पास 100 शेयर्स की ओनरशिप आ जाएगी तो वहाँ पे हमारे लिए इक्विवेलेंट सेम लेवल यानी 100% अब 100 शेयर्स की ओनरशिप अवेलेबल रहेगी। तो आई थिंक ये एक्सचेंज रेशियो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे एक्सचेंज रेशियो आपका कैलकुलेट होगा। द एक्सचेंज रेशियो ओनली एग्जिस्ट इन डील्स दैट आर पेड फॉर इन स्टॉक और अ मिक्स ऑफ स्टॉक एंड कैश आर अपोज्ड टू जस्ट कैश। तो एक्सचेंज रेशियो आपका एग्जिस्ट नॉर्मली कहाँ पे करेगा, जब हमें पे क्या करना है, स्टॉक का मिक्स यानी इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आपका अवेलेबल हो एंड कैश, उसके साथ कैश भी अवेलेबल हो, या आपका सिंपल सिर्फ कैश अवेलेबल हो, इन सब जगह पे आपके एक्सचेंज रेशियो की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। तो एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा ये देख लेते हैं। एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू VS प्लस GS मल्टीप्लाइड बाय SB अपॉन VB प्लस GB मल्टीप्लाइड बाय SS। तो VS प्लस GS मल्टीप्लाइड बाय SB अपॉन VB प्लस GB मल्टीप्लाइड बाय SS, ये आपका एप्लीकेबल फॉर्मूला, जिसमें आपका VS क्या है, VS इज़ द वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी बिफोर मर्जर। तो जो भी आपकी सेलिंग कंपनी मर्ज होने के पहले आपकी वैल्यू को डिटरमाइन कर रही थी वो आपका VS के बिहाफ पे एग्जिस्ट करेगा। आफ्टर दैट VB की अगर हम बात करें तो VB स्टैंड फॉर मर्जर के पहले जो बाइंग कंपनी है उसकी जो वैल्यू है, बाइंग कंपनी यानी जिस कंपनी को हमने खरीदा है। तो अगर हम एक्विजिशन की बात कर रहे हैं तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों कंपनीज में सेलिंग कंपनी कौन सी आपकी अवेलेबल हो गई, सब्सिडरी कंपनी, और बाइंग कंपनी यहाँ पे कौन सी अवेलेबल हो गई, होल्डिंग कंपनी। तो जो कंपनी होल्ड कर रही है उसकी वैल्यू और जो कंपनी आपकी सेल आउट हो रही है यानी सब्सिडरी कंपनी है उसकी वैल्यू, मर्जर के पहले ये दोनों की वैल्यूज आपकी डिटरमाइन होंगी और ये दोनों वैल्यूज एक्सचेंज रेशियो में इंक्लूड की जाएंगी। आफ्टर दैट GS की अगर हम बात करें तो GS स्टैंड फॉर शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी इन द गेन और वैल्यू ड्यू टू मर्जर। तो सेलिंग कंपनी जो आपकी सेलिंग कंपनी है यानी जो कंपनी सेल आउट हो रही है उसका जो भी गेन है मर्जर के टाइम पे वो सारे शेयर वैल्यू आपके GS के बेस पे। तो शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी इन द गेन ऑन वैल्यू ड्यू टू मर्जर, तो मर्जर के बेसिस पे जितना भी आपका सेलिंग कंपनी का गेन हुआ है शेयर्स के बिहाफ पे वो GS में। आफ्टर दैट GB की बात करें तो शेयर ऑफ बाइंग कंपनी इन द गेन ऑन वैल्यू ड्यू टू मर्जर, तो मर्जर के टाइम पे जितना भी गेन बाइंग कंपनी को हुआ है शेयर्स के बिहाफ पे वो आपका GB के बिहाफ पे इंक्लूड होगा। आफ्टर दैट SS शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन सेलिंग कंपनी बिफोर मर्जर, तो मर्जर के पहले जो सेलिंग कंपनी है यानी जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है उसके जितने भी शेयर बचे हुए हैं जो आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं वो आपके SS के अंदर इंक्लूड। एंड लास्ट वन दैट इज़ दी SB शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ बाइंग कंपनी, तो मर्जर के पहले जो आपके बाइंग कंपनी के शेयर मार्केट में आउटस्टैंडिंग अवेलेबल थे ये आपके SB के भी। ये सिक्स फैक्टर्स जो आपके एप्लीकेबल होंगे इनको हम इस फॉर्मूला में एप्लीकेबल कराएंगे और इसके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेशियो की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो आई होप ये आपका एक्सचेंज रेशियो समझ में आ रहा होगा। अगर हम मिनिमम एक्सचेंज और मैक्सिमम एक्सचेंज के कैलकुलेशन की बात करें तो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो में आपका जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज VS प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय SB अपॉन VB प्लस GB मल्टीप्लाइड बाय SS।
VS यहाँ पे आपका क्या था, VS अभी आप लोगों ने पीछे डिस्कस किया है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी बिफोर मर्जर। SB आपका एग्जिस्ट कर रहा है शेयर्स आउटस्टैंडिंग, शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग आपके बाइंग कंपनी के हैं वो आपके SB में आ जाएंगे। VB की अगर बात करें तो बाइंग कंपनी के जो वैल्यू आपके बिफोर मर्जर के वो। GB आपका शेयर जो बाइंग कंपनी का जो गेन जनरेट किया है वो आपका इंक्लूड होगा, और आपका SS आपका इंक्लूड करेगा जो सेलिंग कंपनी है उसके शेयर। इससे हम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो यानी एक्सचेंज करने के टाइम पे मिनिमम कितना रेशियो होना चाहिए कि ये हम अपने मन से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हमें मिनिमम एक्सचेंज रेशियो में ये मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करना है। मैक्सिमम के लिए भी फॉर्मूला है कि मैक्सिमम आपकी कितनी वैल्यू हो सकती है, ये ना हो कि मर्जर के टाइम पे हम सब्सिडरी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट दे दें और वहाँ पे होल्डिंग कंपनी की लॉस की पॉसिबिलिटीज हो जाए। तो वहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला जो अप्लाई होगा दैट इज़ वी एस प्लस जी एस मल्टीप्लाइड बाई एस बी अपॉन वी बी प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाई एस एस। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम मिनिमम और मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी का अगर हम सिंपल कंसिडरेशन बताएं तो सिनर्जी आपके बिजनेस में अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट 2+2=5, प्लस वन इज़ दी बेनिफिट दैट इज़ दी एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक नॉर्मल कंसिडरेशन में अगर आपने टू एफर्ट को इंक्लूड किया है तो नॉर्मली आपके लिए रिटर्न भी क्या होगा, टू का। ये हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगर हमने वहाँ पर टू का एफर्ट कर रखा है तो टू का रिटर्न भी हमें जनरेट हो जाएगा। सिनर्जी बेनिफिट आपका तब इंक्लूड होता है जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट की बात करें, एंड द कॉन्सेप्ट अप्लाइज 2+2=5। तो प्लस वन जो आपका हिडन फैक्टर है ये आपके हिडन कंसिडरेशन से एक्स्ट्रा बेनिफिट फैक्टर को इंक्लूड करता है। तो सिनर्जी आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट बिजनेस के मर्जर एक्विजिशन में तब अप्लाई होता है जब टू और मोर कंपनीज आपस में कंबाइंड होना चाहें और उनका अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि कॉस्ट को कम किया जा सके और प्रॉफिट की पोजीशंस को इन्हेंस किया जा सके, तो वहां पे एक बिजनेस सिनर्जी बेनिफिट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। सिनर्जी इज द कॉन्सेप्ट दैट अलाउज टू और मोर कंपनीज टू कंबाइन टुगेदर एंड आइदर जनरेट मोर प्रॉफिट्स और रिड्यूस कॉस्ट टुगेदर। तो सिनर्जी टू और मोर कंपनीज को एक साथ कंबाइन कर लेता है और वहाँ पे आपके दो से ज़्यादा कंपनीज जब आपस में कंबाइंड हो जाती हैं तो वहाँ पे इनका टारगेट क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल पे जनरेट किया जा सके और कॉस्ट को मिनिमाइज किया। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिजनेस को कि अगर हम मार्केट में दो या दो से ज़्यादा कंपनीज को मिला देते हैं सेम फैक्टर में और वहाँ पे आपके प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी और कॉस्ट कम हो जाएगी तो एक बिजनेस सिनर्जी बेनिफिट। जैसे आज के सिनारियों में आप देख रहे हो कि बैंक्स आपस में एक्वायर किए जा रहे हैं, इनका टारगेट क्या है, सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी एक कंसिडरेशन में दो या दो से ज़्यादा आपके बैंक एक साथ कंबाइंड किए जा दिए जा रहे हैं और इनका टारगेट है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए और कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया जाए। दीज कंपनीज बिलीव दैट कंबाइनिंग विद ईच अदर गिव्स देम मोर बेनिफिट देन बीइंग सिंगल और डूइंग द सेम। तो ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा कंपनीज को कंबाइन कर देते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सिंगल लेवल। तो सिंगल बेसिस पे काम करने में कॉस्ट ज़्यादा होगी, आपके एफर्ट जो है वो लिमिटेड होंगे, लेबर अब कैपिटल ये सारी चीज़ें आपकी मिनिमाइज रहेंगी। तो अगर हम कंपनीज को आपस में मिला करके और एक ही टारगेट पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिट की पोजीशन ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स बाय कंबाइनिंग टू कंपनीज इन अ मर्जर द न्यू कंपनी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द टू कंपनी बीइंग मर्ज्ड। तो ये अदर वर्ड्स में ये सिंपली एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम दो कंपनीज को आपस में मिलाते हैं, मर्ज करते हैं, तो दो कंपनी मिलके जो नई कंपनी बनेगी वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, वो ज़्यादा वैल्यूज जनरेट करेंगी इन कंपैरिजन टू सिंगल ऑपरेटेड। तो अगर मार्केट में ये चीज़ प्रेजेंट हो रही है कि कंपनीज को मिला करके काम करने से ज़्यादा बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो ऐसे फॉर्मेट में सिनर्जी बेनिफिट को अप्लाई किया जाता है और कंपनीज को आपस में मर्ज करके एक्वायर करा करके यहाँ पे काम करते हुए हम मोर बेनिफिट्स की तरफ फोकस्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट मर्जर EPS। पोस्ट मर्जर अगर EPS की बात करें तो मर्जर के बाद अर्निंग पर शेयर की पोजीशंस कैसे पॉसिबल, तो पोस्ट मर्जर EPS को भी हम
प्रोफार्मा अर्निंग पर शेयर भी कहते हैं। EPS स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर, ये आप लोगों को पता है, ये आप लोग ने रेशियो एनालिसिस में पढ़ भी रखा है। तो पोस्ट मर्जर या प्रोफार्मा अर्निंग पर शेयर इज द कैलकुलेशन ऑफ EPS एज्यूमिंग अ मर्जर एंड एक्विजिशन टेक्स प्लेस एंड ऑल फाइनेंशियल मैट्रिक्स एज वेल एज द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आर अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन। तो पोस्ट मर्जर या प्रोफार्मा अर्निंग शेयर, ये आपका कैलकुलेट कैसे होता है, अर्निंग पर शेयर को एज्यूम करते हुए कि जो भी हमारे पास मर्जर एक्विजिशन हो रहा है इसमें सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स, इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये सब अपडेट किए गए हैं जिससे कि हम सही अर्निंग पर शेयर को रिफ्लेक्ट करें। तो मर्जर एक्विजिशन होने के बाद जो भी कंपनी आपकी स्टैंड कर रही है उसकी अर्निंग पर शेयर को डिटरमाइन करने के लिए हमें ये एनालाइज करना होगा कि प्रॉपर फाइनेंशियल मैट्रिक्स अवेलेबल हो, नंबर ऑफ शेयर जितने भी आउटस्टैंडिंग हमारे पास हैं वो प्रॉपरली शो किए गए हों, जिससे कि हम ओवरऑल जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट पॉइंट पे मेजर कर सकें। प्रोफार्मा इज लैटिन टर्म मीन्स, प्रोफार्मा इन लैटिन टर्म मीन्स फॉर द सेक ऑफ फॉर्म। प्रोफार्मा आपका बेसिकली किस कब आता है, जब लैटिन टर्म में ये इसको कहा जाता है फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, मतलब एक नई चीज को फॉर्म करने का तरीका। तो नया कुछ फॉर्म हुआ तो वहाँ पे हम उसके बेनिफिट के लिए हम यहाँ पे अब काम कर, तो अर्निंग पर शेयर अगर पिछले पोजीशन से पोस्ट में इन्हेंस हो रही है तभी पॉसिबिलिटी है कि हम अल्टीमेटली इस फैक्टर को अप्लाई कर सकें। तो अर्निंग पर शेयर में हमें ये चीज़ एनालाइज करनी होगी कि जितनी भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो प्रॉपरली एनालाइज की गई हो और उसमें जितने भी नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है वो प्रॉपरली अपडेट किए गए, जिससे कि हम एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर कर सकें। इन दिस केस इट रिफ्लेक्ट्स टू कैलकुलेटिंग EPS फॉर द सेक ऑफ फर्म इन द इवेंट ऑफ द एक्विजिशन। तो अगर एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है तो उस सिचुएशन में एक्वायर करने का और नया फॉर्मेशन करने का क्या बेनिफिट है, ये आपके EPS के कैलकुलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक कंपनी ने दूसरे को एक्वायर किया और वहाँ पे अर्निंग पर शेयर में बेनिफिट नहीं है तो ऐसे फैक्टर में आपका मर्जर एक्विजिशन होने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को एक्वायर करती है तो होल्डिंग कंपनी के पास अर्निंग पर शेयर के बेस पे ये बेनिफिट दिखना चाहिए कि हमने जो एक्विजिशन किया है उससे सब्सिडरी कंपनी को भी बेनिफिट हुआ है और एज अ होल्डिंग कंपनी हम भी मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गई होंगी। द प्रोफार्मा EPS एट द टारगेट फर्म्स नेट इनकम and any additional synergies to the numerator while adding new shares issued due to the acquisition to the denominator. तो प्रोफार्मा EPS आपका ऐड क्या करता है, टारगेट फर्म के नेट इनकम, अगर कोई एडिशनल सिनर्जी है यानी आपका कोई एडिशनल बेनिफिट है उसको न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, इसके अलावा हम न्यू शेयर जो इशू हो रहे हैं ड्यू टू एक्विजिशन इनको भी डिनोमिनेटर में ऐड कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा, नेट इनकम प्लस सिनर्जी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितने भी नए शेयर्स आपने इशू कर रखे हैं। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट इनकम प्लस सिनर्जी डिवाइडेड बाय न्यू शेयर्स, इसके भी हाँ पे हम पोस्ट मर्जर के अर्निंग पर शेयर को डिटरमाइन कर लेंगे। आई थिंक ये भी पॉइंट क्लियर होगा। सो फाइनली द लास्ट टॉपिक इन योर मर्जर एंड एक्विजिशन टॉपिक, दैट इज द डी मर्जर। डी मर्जर बेसिकली आपका एग्जिस्ट कब करता है, जब आपकी कोई बिजनेस एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अपनी अंडरटेकिंग को दूसरी कंपनी को देते हैं 100% आइदर या सम पार्ट, ऐसे फैक्टर में हम डी मर्जर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मली डी मर्जर को करने का कंसिडरेशन क्या है कि हमने अपने कोर सेक्टर के अलावा अदर सेक्टर्स में भी काम कर रखा है, जैसे बैंक्स हैं, बैंक का कोर सेक्टर क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, बट आज की डेट पे बैंक इंश्योरेंस में भी अवेलेबल है, डीमैट्स में भी आपके मनी शेयर ट्रेडिंग में भी काम कर रहा है। तो ये जितने जो अदर ऑपरेशंस अवेलेबल हुए हैं ये बैंक्स के इन्हेंसमेंट हैं। अगर बैंक चाहे तो अपने इन ऑपरेशंस का डी मर्जर कर सकता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे आप देखते हो इंश्योरेंस में बैंक्स की अवेलेबिलिटी है, बैंक क्या कर रहा है, किसी प्राइवेट एजेंसी के साथ मिल करके इंश्योरेंस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, तो उसने क्या किया, डी मर्जर किया है अपने इंश्योरेंस सेक्टर को, जिससे कि वो अपने कोर सेक्टर पे एफिशिएंटली काम कर सके और बिना एफर्ट के, बिना फिजिकल मेंटल एफर्ट के उसको उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है।
तो डी मर्जर कंसिडरेशन बेसिकली आपका तब एग्जिस्ट करता है जब कंपनी बिजनेस फर्म अपने ओनरशिप को अपनी अंडरटेकिंग को किसी अदर कंपनी को ट्रांसफर करता है। देखते हैं, अ डी मर्जर कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ अ कंपनी बिजनेस अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी। जब एक बिजनेस, एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अंडरटेकिंग ट्रांसफर करती है किसी दूसरी कंपनी को तो उसे हम डी मर्जर कहते हैं। द सोर्स कंपनी दैट इज द कंपनी हुज अंडरटेकिंग आर बीइंग ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड द डी मर्ज्ड कंपनी। वो कंपनी जिसकी अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है किसी दूसरी कंपनी को, तो जो अपनी अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रही है उसे हम डी मर्ज्ड कंपनी कहते हैं। जैसे एक्स वाई दो कंपनी है, एक्स ने अपनी अंडरटेकिंग किसी ऑपरेशंस के लेकर के वाई कंपनी को ट्रांसफर किया, तो एक्स कंपनी इज अ सोर्स कंपनी जिसे कहा जाएगा डी मर्ज्ड कंपनी। द अदर कंपनी इज ऑफन नोन एज द रिजल्टिंग कंपनी। और जो दूसरी आपकी वाई कंपनी होगी उस कंपनी को क्या कहा जाएगा, रिजल्टिंग कंपनी। कि अब वो उस पर्टिकुलर डी मर्जर के बिहाब पे जो उसने अंडरटेकिंग लिया है वो उस अंडरटेकिंग पे काम करेगी और उसके अगेंस्ट में वो रिजल्ट जनरेट करके अदर कंपनी को जनरेट करेगी। तो सोर्स कंपनी क्या है, सोर्स कंपनी वो है जो अपनी अंडरटेकिंग को किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करे, जिसे हम डी मर्ज्ड कंपनी भी कहते हैं। और अदर कंपनी जिसने डी मर्जर के बिहाब पे अंडरटेकिंग लिया है उस कंपनी को कहा जाता है रिजल्टिंग। It is a form of corporate restructuring and undertaking transferred or sold to another. ये जब हम कॉरपोरेट की रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं कि बेनिफिट के बिहाब पे हम अपने अंडरटेकिंग को किसी दूसरे को दे दें, तो वहाँ पे एक कंपनी अपनी एंटिटी यानी अपनी ओनरशिप को, अपने ऑपरेशंस को, अपने अंडरटेकिंग को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम डी मर्जर कहते हैं। डी मर्जर करने के कुछ रीजंस हैं, लाइक नीड टू पे अटेंशन टू कोर एरिया ऑफ बिजनेस। जो हमारा कोर एरिया है अगर हम उस पर से फोकस होना चाहते हैं तो वहाँ पे हम अपने अदर ऑपरेशंस का डी मर्जर कर सकते हैं। डाउन साइजिंग ऑफ द फर्म इन केस इफ इट इज़ टू बिग। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज लेवल पे काम कर रही है तो हम अगर चाहें तो अपनी कंपनी को स्मॉल लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पर डाउन साइजिंग करने के लिए एक फर्म अपनी किसी ऑपरेशन को, अपने किसी सेक्टर को, अपनी किसी यूनिट को डी मर्ज कर सकती है और उसकी अंडरटेकिंग किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है। सेलिंग ऑफ लॉस मेकिंग डिविजन्स इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द प्रॉफिट। किसी डिवीज़न को सेल आउट कर देना क्योंकि वहाँ लॉस हो रहा है, तो लॉस के यूनिट को सेल आउट करके अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हम डी मर्जर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कि हमारे पास 10 यूनिट है जहाँ पे हम काम करते हैं, एक यूनिट हमारी लॉस में है, तो हम उस लॉस वाली यूनिट को अगर सेल आउट कर देते हैं तो 9 यूनिट्स हमारे अब प्रॉफिट के ऑप्टिमाइजिंग पोजिशन को जनरेट करा सकते। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी टू सेल एट अट्रैक्टिव प्राइस। हमारे किसी यूनिट, किसी ऑपरेशन की अट्रैक्टिव प्राइस हमें मार्केट से मिल रही है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है कि अब हम इसको मार्केट में सेल आउट करके एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सकते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसका हमें डी मर्जर करना पड़ रहा है, उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल ना होने की वजह से हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि हमें यहाँ पे डी मर्जर करना पड़ेगा, यानी हमें अपनी अंडरटेकिंग किसी दूसरे को देना पड़ेगा वर्किंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने। एंड द लास्ट वन दैट इज़ नीड फॉर इमीडिएट कैश। तो यहाँ पे आपका, अगर आपको बिजनेस को इमीडिएट कैश की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी आपको अपने किसी पर्टिकुलर यूनिट को, वर्किंग को, सेक्टर को डी मर्ज करना होता है जिससे कि आपको उसके अगेंस्ट में इमीडिएट कैश रिसीव हो सके। तो ये आपके डिफरेंट रीजंस हैं जिनके बिहाफ पे एक कंपनी डी मर्जर ऑपरेट कर सकती है। तो ये आपके डिफरेंट टॉपिक्स से मर्जर एंड एक्विजिशंस के। यहाँ पे आपका सिलेबस मेरे पार्ट पे ख़त्म है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। Thank you.